बसमिल सऊदी इनफो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं ऐसे तमाम अफराज़ जो इस वक्त छुट्टी पर हैं उनको फ़्री एक्सटेंशन नहीं मिली उनका अकामा फ़्री नहीं बढ़ा उनकी छुट्टी नहीं बढ़ी या फिर अकामा बढ़ा था छुट्टी बढ़ी थी उसी दिन एक्सपायर हो गए तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे ऐसे में पाकिस्तान अम्बैसी ने उन लोगों को एक उम्मीद दिलाई कि आप पाकिस्तान अम्बैसी से कॉन्टैक्ट करें अपना डाटा भेजें और पाकिस्तान अम्बैसी कोशिश करेगी और पाकिस्तान अम्बैसी ने उसके जवाब देना शुरू कर दिए हैं मैं आप लोगों के साथ सिर्फ दो तीन जवाब शेयर करूंगा यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा डिटेल्स शेयर यहाँ पे नहीं की जा सकती लेकिन टिपिकल जवाब हैं तकरीबन मैं आप लोगों को दो तीन चीज़ें वहाँ पे शेयर कर दूँगा आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान अम्बैसी जो है वो आपके लिए क्या कर रही है इस वक्त और खरूज उदा और अकामा की तजदीद के हवाले से क्या कोशिशें की जा रही हैं और जो कोशिशें हुई हैं उनका रिजल्ट क्या आ रहा है सबसे पहले आप लोगों को मैं यहाँ पे ये दिखा देता हूँ एक भाई हैं जिन्हें पाकिस्तान अम्बेसी की जानब से ये रिप्लाई किया गया है और उन्हें उन्होंने मुझे यहाँ पर स्क्रीन शॉट जो है वो शेयर कर दिए हैं इसमें कहा गया है कि आपका हरूब लगा दिया गया है आपके कफ़ील की जानब से इसलिए आपकी छुट्टी नहीं बढ़ सकती यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर सफारत खाना पाकिस्तान रियाज से रबता करने का शुक्रिया आपकी दरख्वास के सिलसिले में सऊदी अरब के मुतलक इदारों से रबा किया गया है उन इदारों का कहना है कि आप चूँकि एग्जिट री एंट्री वीज़ा पर गए थे मगर वापस नहीं आए इसलिए आप कफ़ील ने सिस्टम में रूब लगा दिया है इन इदारों को मजीद कहना है कि लेबर अगर अपना रूब खत्म करवा कर वापस सऊदी अरब आना चाहे तो वह अपने कफ़ील से रबता करके कफील से राबता करके अपना रूब कैंसिल करवा सकता है यानी यहाँ पर ये वो बात है जो हमने आप लोगों को शायद आज से कोई दो तीन साल पहले ही बता दी हो जो आपको अभी बताई गई है आ, अम्बैसी की जानब से ये आ, जो रिप्लाई है जाहिर है उन्हें उन्होंने रिप्लाई वही किया है जो ने जो उन्हें जवाज़ात की जानब से कहा गया है लेकिन ये एक टिपिकल रिप्लाई है इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं बताई गई हालांकि यही मसला सिर्फ़ अम्बैसी को बताया गया था हमारा ये मसला है इसका हल निकाला जाए लेकिन अम्बैसी की जानब से आपको मसला आपका बता दिया गया है कि आपका मसला ये है लेकिन हमें ये नहीं चाहिए था मसला तो हमें ऑलरेडी ही पता है कि हमारा मसला क्या है बहरहाल कोशिश करेंगे फिर हम अपने तौर पे कोशिश करेंगे जितना भी हो सके हम अपनी आवाज़ ज़रूर पहुंचाएंगे अम्बेसी तक कि इसका हल क्या है हम आपको हल बताते हैं आप मुतलका इदारों से हल जो है वो लें इन लोगों के एग्जिट री एंट्री ख़त्म हो गए हैं तो कम अज़ कम जिन लोगों पर तीन तीन साल का बैन लग चुका है उनके बैन ख़त्म करवाए जाएँ उनका कफ़ील या कंपनी को कोई ऐसी अथॉरिटी दी जाए और कोशिश की जाए कि वो लोगों को फ़ाइनल एग्जिट लगा दें ताकि वो किसी नई कंपनी या कफ़ील के पास सफर कर सकें और इसी तरह दूसरा जो इसका हल है कि जो ऐसे अफराद जो इस वक्त अपने मुल्क में मौजूद हैं उनके नाम पर गाड़ियाँ हैं तो उनके लिए कोई शॉर्ट सिस्टम बनाया जाए कि फ़ौरी तौर पे वो अथॉरिटी लेटर बना के वो अपनी गाड़ियाँ बेच सकें या ट्रांसफ़र कर सकें और इसी तरह जिन लोगों की कंपनीज या कफ़ील के पास बकाया जात हैं उनका कोई ऐसा सिस्टम लाया जाए कि वो फौरी तौर पे अपने बकाया जात उनसे ले सकें चलते हैं दूसरे रिप्लाई की जानेब दूसरे भाई को जो रिप्लाई आया है उसमें क्या कहा गया तो यहाँ पर एक और भाई है इनको यहाँ पे आप देख सकते हैं कहा गया है कि कंपनी रेड कैटेगरी में है और अगर कोई भी कंपनी रेड कैटेगरी में होती है तो आपकी छुट्टी नहीं बढ़ सकती आपके जो कफ़ील का सिस्टम होता है कंपनी का सिस्टम होता है वो बंद हो जाता है ना अकाम तजदीद हो सकते हैं ना छुट्टी तजदीद हो सकती है और ना ही बाकी सरकारी काम जो है वो हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है वो कही गई है कि सऊदी हुकूमत की तरफ से कोई पेश रफ्त हुई तो आपको आगाह किया जाएगा आपके पास मज़दी कोई मालूम हों तो हमें उनसे आगाह करें ताकि वो भी सऊदी हकूत को पेश करके मज़ीद कार्रवाई की जा सके इसमें एक और अहम चीज़ बताई गई इसमें कहा गया कि इस सिलसिले में सफारतखाना मजीद कोशिश जारी रखेगा तो ये एक अच्छी चीज़ है हमारी फिर भी हमें उम्मीदें हैं हम चाहते हैं कि पाकिस्तान बैसे इसी तरह कुछ ना कुछ कोऑपरेट करे पाकिस्तानियों के साथ और तान करे और उनके जो मसाले हैं उनको हल करवाने की कोशिश की जाए लेकिन ये मसाइल ऑलरेडी हैं हर बंदे को अपने मसले के बारे में पता है कि कंपनी रेड कैटेगरी में है नेक्स्ट जो भाई हैं उनको जो रिप्लाई आया है उसमें ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ तो इन्हें कहा गया है कि आपकी कंपनी जो है लो ग्रीन कैटेगरी में है और उसमें भी यही कहा गया है कि आप अपनी कफ़ील कंपनी से रबता करें ताकि वो आपकी छुट्टी बढ़ाए और सऊदी अरबिया के जो मुतलक इदारे हैं उनकी जानब से नॉर्मल रूटीन में भी जवाजाद को अगर आप ट्वीट करते हैं तो उसमें भी यही कहा जाता है कि आप अपनी कफील कंपनी से बात करें वो आपकी छुट्टी बढ़ा दे। इस बारे में कोई भी मजीद अपडेट्स आएँगी तो इन शाला हम आपके साथ गाहे बगाहे गाह शेयर करते रहेंगे और हम कोशिश भी करेंगे कि आपकी आवाज़ जो है पाकिस्तान अम्बैसी तक पहुँचाई जाए अपनी दुआ में याद रखिएगा असल